तेजस्वी भैया से हम ये कहल जाता नहीं कि मनीष भैया कुछ गलती नहीं की कैले, मनीष भैया के झूठा अपराध फैला के वहां के जेल में घुसा। बियल मूस के लागता सांप के ना हो, ये बियल मूस के लागता सांप के ना हो। अरे बिहार के बर्बाद कर वाला भलुआ, तू सोचे तरह की खाली जंगल है हमरे कली, उन बिहार तरह बाप बिहार रहती तो हमनी के मदद कैले रहती, इतना गरीब परिवार के मदद करती आ हमनियो के कैले रहती। तो एबरा मनीष भैया जेल में बंद बानी, तेजस्वी भैया से ये विनती बा कि मनीष भैया के जल्द से जल्द बाहर निकाली, मनीष भैया कुछ गलती नहीं की। कश्यप जेल जाने से पहले आप लोगों से क्या वादा किए थे? वादा किए थे कि मनीष भैया की जरूर अगर जेल जा रहे हैं, अगर जेल से छूट जाएंगे तो हम आप लोगों के पास आएंगे, तो कैमरा लैपटॉप वैपटॉप देते, तो आज हम लोग बहुत ऊंचे जाते, बहुत हम तकलीफ में है। बता रिपोर्टर मनीष कश्यप के कांधो पर उजर के मछिया सान रहेला, रिपोर्टर मनीष कश्यप के कांधो पर उजर के मछिया सान रहेला। एक बिहार सप्पा भारी पूरा इंडिया में नाम रहो तरी, हमरा खनिया कोनो लड़की नहीं खिया डूब रह तरी भाव में, सोचो तरी हमरा खनिया कोनो लड़की नहीं खिया डूबल रह तरी भाव में। अरे भोसरी वाली तोरा आंखी के सामने हम 10 गो मान पटा कर रख जम जी, आज हम तोरा गांव। जेल जाने से पहले इन लोगों को एक वादा किए थे कि हम तुम लोग के पास आएंगे, बहुत सारा कुछ सामान भी देंगे, आखिर में वो सामान क्या बोले थे देने के लिए और इन लोगों ने बिखरे क्यों है, आइए अब सीधे साथ में। दो चेहरे देख रहे हैं, ये चेहरे की पहचान का मोहताज नहीं है, हालांकि आप लोगों ने खूब भली भांति फेसबुक और यूट्यूब सोशल मीडिया के हर एक कहा जाए प्लेटफॉर्म पे आप लोगों ने इनको देखे होंगे। आज देखा जाए तो इन लोगों ने बिखर गए हैं, आखिर क्यों बिखरे हैं? आज से कुछ दिन पहले जो मनीष कश्यप की जो चर्चे हो रहे हैं, और चर्चे इसलिए हो रहे हैं कि मनीष कश्यप आज इन दिनों तमिलनाडु के मदुरई सेंट्रल जेल में है, और जेल जाने से पहले इन लोगों को एक वादा किए थे कि हम तुम लोग के पास आएंगे, बहुत सारा कुछ सामान भी देंगे, आखिर में वो सामान क्या बोले थे देने के लिए और इन लोगों ने बिखरे क्यों हैं, आइए अब सीधे बात करते हैं कि मनीष कश्यप जेल जाने से पहले आप लोगों से क्या वादा किए थे? वादा किए थे कि मनीष भैया की जरूर अगर जेल जा रहे हैं, अगर जेल से छूट जाएंगे तो हम आप लोगों के पास आएंगे, तो कैमरा लैपटॉप वैपटॉप देते, तो आज हम लोग बहुत ऊंचे जाते, बहुत हम तकलीफ में है, बता नहीं सकते हैं। आज उम्मीद है कि नहीं कि मनीष कश्यप कभी छूट के आएंगे तो हम लोग को कुछ हेल्प करेंगे या सहायता करेंगे? सहायता करेंगे तो हम लोग निकल जाएंगे, और कोई नहीं है सहायता करने वाला हम लोगों का। ये देख लीजिएगा, ये जो दोनों लड़के हैं, कहीं ना कहीं इन लोगों का जो टैलेंट है आज बिखर रहा है, लेकिन इस वक्त निखरना चाहिए लेकिन निखर नहीं रहा है, बिखर रहा है, और बिखर इसलिए रहा है कि इनको जो है कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। और ऐसा बात नहीं है कि चेहरा किसी ने नहीं देखे होंगे, हालांकि लाखों मिलियनों लोग देखते हैं इन लोगों को, व्यूअर भी जाते हैं। और ये देख लीजिएगा, छोटा लड़का है, और जब आप लोगों ने इनके कलाकारी, इन लोगों का टैलेंट जब देखेंगे आप, जब डायलॉग आप लोगों ने सुनेंगे तो आपके, और इन लोगों ने विश्वास और उम्मीद लगाकर ये बैठे हुए हैं कि जिस दिन ही मनीष कश्यप जब जेल से जब घर पे आएंगे तो हम लोग के पास भी आएंगे और हम लोग को जो जरूरतमंद की सामान जो है वो हम लोग को देंगे, यही ना जी? अच्छा, इन दिनों आप लोगों का एक डायलॉग जो है खूब वायरल चल रहा है, वो डायलॉग जो मनीष कश्यप पे आप लोगों ने निकाले हैं, हालांकि आप लोगों ने दिल से वो डायलॉग को बोले हैं, आप लोगों से कहेंगे कि वो डायलॉग क्या था, वो डायलॉग को आप लोग जितने भी दर्शक देख रहे हैं आप लोग सुनाइए। इबियल मूस के लागता सांप के ना हो, इबियल मूस के लागता सांप के ना हो। अरे बिहार के बर्बाद कर वाला भलुआ, तू सोचे तरह की खाली जंगल है हमरे कली, उन बिहार तरह बाप के ना हो। बाबा क्या बात है, हालांकि देखे हैं डायलॉग को, ये एक छोटा लड़का, ये भी छोटा लड़का है, लेकिन मनीष कश्यप के बारे में, मनीष कश्यप एक ऐसा जो डायलॉग जो निकाले हैं, इस डायलॉग पे पता ना कितने लाख लोग ने इनमें जो है डायलॉग पे रील बनाए हुए हैं, और इसके अलावा भी और भी कोई डायलॉग। रिपोर्टर मनीष कश्यप के कांधो पर उजर के मछिया सान रहेला, रिपोर्टर मनीष कश्यप के कांधो पर उजर के मछिया सान रहेला। एक बिहार सप्पा भारी पूरा इंडिया में नाम रहेला। देख लीजिएगा, हमको लग रहा है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसा कहा जाए कि कलाकार जो कि छोटे छोटे, उम्र भी देख लीजिएगा इनका, लगभग खूब होगा उम्र तो मतलब 10 से 12 साल होगा, और इनका आप लोग को देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं 15 साल के आसपास में इनका भी होता होगा, लेकिन ऐसा इन लोगों के पास ऐसा टैलेंट कला है जो कि इस वक्त अगर शायद मनीष कश्यप ने अगर रहते जेल नहीं गए होते तो शायद इनको भी वो सम्मान दिए होते, और ये भी आज कहीं ना कहीं भोजपुरी के, कहीं ना कहीं अपने बिहार का एक नाम तो रोशन जरूर करते।
मनीष कश्यप ने बहुत सारे स्कूलों में जाकर लैपटॉप दिए थे, बहुत सारे गरीबों को हेल्प करते हैं, किसी का हाथ पैर कट जाता है वहां पे जाकर पैसे देते हैं, लेकिन इन लोग कलाकार थे इसलिए इन लोगों के लिए, कलाकारों के लिए लैपटॉप वगैरह कैमरा वगैरह ये सारी चीजें वादा किए थे देने के लिए। लेकिन कहा जाता है ना कि इन लोगों का वो चीज मिलता नहीं है, क्या कहेगा इस पे? क्या कहेंगे मनीष भैया, तमिलनाडु के जेल में बंद हैं और मनीष भैया बाहर होते तो हमारा भी मदद करते और कितने गरीब घर के भी मदद करते और बहुत तकलीफ में हम बता नहीं सकते हैं मनीष भैया। अगर मनीष भैया बाहर होते जेल से तो हम लोग बहुत बहुत ऊंचे जाते, बता नहीं। मनीष भैया का अगर लैपटॉप वैपटॉप सब दे देते हम लोग को वादा किए थे वो, और सहायता करते हैं। और कुछ विरोधियों लोग से यही कहना चाहते हैं कि तेजस्वी भैया से, तेजस्वी भैया मनीष भैया क्या गलती कैले बानी छोड़ दी और उनका सच्चाई के देखी रहुआ। और विरोधी लोग के हम ये कॉल चाहते नहीं, शायरी के माध्यम से तो हम टेलाई करबे करेंगे। अभी देख लीजिएगा, ये अखिलेश राज है और ये गुड्डू राज है। अखिलेश राज के हालांकि दिल के बात आप लोगों ने सुने कि मनीष कश्यप के बारे में क्या बोले, अब आइए जो छोटा लड़का है इनसे बात करते हैं कि मनीष कश्यप के लिए इनको क्या राय है, का कहो गुड्डू राज? देखिए तेजस्वी भैया से हम ये कॉल चाहता नहीं कि मनीष भैया कुछ गलती नहीं की कैले, मनीष भैया के झूठा अफवाह फैला के वहाँ के जेल में घुसाल गई बा, आज तमिलनाडु के जेल में बनी। मनीष भैया रहती तो हमनी के मदद कैले रहती, अपना गरीब परिवार के मदद करती आ हमनियों के कैले रहती, तो एबरा मनीष भैया जेल में बंद बनी। तेजस्वी भैया से ये विनती बा कि मनीष भैया के जल्द से जल्द बाहर निकाली, मनीष भैया कुछ गलती नहीं की कैले। देख लीजिएगा, एक छोटा लड़का जो 10 से 12 साल इसका एज है और ये भी उम्मीद लगा रहा है, जो कि हमारे बिहार सरकार से जो तेजस्वी यादव जी हैं उनसे भी कह रहा है कि भैया गलती मनीष कश्यप क्या गलती कैले बानी, उनको भी थोड़ा ऊपर दया करके और मनीष भैया को निकाल दी ताकि आई तो हम लोग को भी सपोर्ट करी, हेल्प करी और हम लोग भी आगे बढ़े। चलिए कुछ हट के इंटरटेनमेंट के दुनिया में चलते हैं और कुछ इंटरटेनमेंट वाला कुछ डायलॉग आप लोगों ने दर्शक को सुना दीजिए। सोचा तारी हमारे खनिया कोनो लड़की नहीं किया डूब रहा तारी भाव में, सोचो तारी हमारे खनिया कोनो लड़की नहीं किया डूबल रह तारी भाव में। अरे भोसरी वाली तोरा आंखी के सामने हम 10 गो माल पटा कर रख जम जी, आज हम तोरा गांव में। बाबा क्या बात है, देख लीजिएगा 10 गो माल ये क्या है, मतलब 10 गो गर्लफ्रेंड है क्या? नहीं, हाँ इंटरटेनमेंट के लिए। हमारे साथ में अखिलेश राज और गुड्डू राज मौजूद थे, इन लोगों का कॉमेडी, इन लोगों का डायलॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जितने भी बातें इन लोगों ने मनीष कश्यप के बारे में बोले आप लोग क्या सोच रहे हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। जय हिंद।